सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो टूडे पंजाब न्यूज़ चैनल। मैं हाँ तरसेम सिंह मठाड़ू लेके हाजिर होया जी अज के दिन दियां सुबह दियां ताज़ा तेज खबरां। गलबात करांगे भारत ते पंजाब सूबे दियां अज दियां अहम खबरां दी। इन्हां खबरां नूं शुरू करते पहले एक बार नज़र मार लैने चोणवीआं खबरां ते। पहली चोणवी खबर है हरियाणा विच लखीमपुर वर्गी घटना, भाजपा सांसद मैंबर दे काफले दी कार ने किसान नूं मारी टक्कर। विधानसभा चोणां तों पहलां चन्नी सरकार दा अहम फैसला, मंत्रियों नूं वंडी जिलियां दी जिम्मेवारी। कांग्रेसी विधायक ने प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिख नोटां तों महात्मा गांधी दी फोटो हटाउण दी कीती मंग। किसानां दीआं फिर वधीआं मुश्किलां, 25 क्विंटल तों वध झोना नहीं खरीद रही सरकार। इंडियन ऑयल ने अप्रेंटिस दीआं 469 असामियां दी कड्ढी भर्ती, जल्दी करो अपलाई। नवजोत सिंह सिद्धू अस्तीफा किस्सा खत्म, गुरु ही संभालते रहेंगे पंजाब कांग्रेस की कमान। विगड़िया रसोई का बजट, टमाटर प्याज ते मटर तो बाद सारिया सब्जियां दे भाव वधे। पुरानिया गड्डिया बारे केंद्र सरकार का वड्डा ऐलान। मनप्रीत बादल की कोठी सामने किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन, तोड़े बैरीकेड। खुशखबरी, नरात्या के पहले दिन सस्ता हो गया सोना, चैक करो तोले का रेट। हैड कॉन्सटेबलों दीआं 38 असामियां ते भर्ती, अज ही करो बिने पत्र। सरकार वालों किसानों सोलर पावर प्लांट स्थापित करन दी पेशकश। तो दोस्तों ये सीगियां अपने समय दीआं चोणवीआं खबरां। हुण गलबात करांगे जिस समय दी पहली अहम खबर दे। उस तों पहलां जिन्हां दोस्तों ने अपने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता सबसक्राइब जरूर कर लैन ते नाल लगे घंटी दे बटन नूं जरूर दब लैन। तो नाल ही जे साढ़े द्वारा दिती जानकारी तुहानूं वधिया लगदी तां कृपा करके अपनी वीडियो नूं वध तों वध लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद होवेगा। इस दे नाल ही पहली खबर ते नज़र मारदे हां। हरियाणा च लखीमपुर वर्गी घटना, भाजपा सांसद मैंबर दे काफले दी कार ने किसान नूं मारी टक्कर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी विच किसानां विरुद्ध हिंसा नूं लैके हंगामा जारी। इस दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के नारायणगढ़ में अजिही ही एक घटना सामने आई है। कुरुक्षेत्र तो भाजपा सांसद मैंबर नायब सिंह सैनी का काफला काले झंडे दिखाते हुए किसान नाल टकरा गया। जख्मी किसान का हस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना की जानकारी मिलने तो बाद किसानों ने मौके पर इकट्ठे होना शुरू कर दिता। अजिहे सुरक्षा लिए पुलिस तैनात की गई। इस दे नाल ही किसानों ने इस मामले की शिकायत नारायणगढ़ थाने की है। सांसद मैंबर नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ में एक प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे सन। उसके आने की सूचना मिलदे ही किसान विरोध करने पहुंच गए। अते प्रोग्राम तो बाद जब सैनी अपने काफले नाल रवाना हुए तो किसान अचानक कारा के सामने आ गए। फिर सांसद के काफले की कार ने एक किसान पवनप्रीत को टक्कर मार दी। विधानसभा चोणां तों पहलां चन्नी सरकार का अहम फैसला, मंत्रियों नूं वड्डी वंडी जिलियां की जिम्मेवारी। साल 2022 दीआं विधानसभा चोणां तों पहलां चन्नी सरकार वल्लों अहम फैसला लैंदे हुए मंत्रियों नूं विकास कार्जां अते होर सरकारी कामकाज लई जिलियां की वंड की गई है। इस संबंधी पंजाब सरकार वल्लों नोटिफिकेशन भी जारी कर दिता गया। इस नोटिफिकेशन मुताबक सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं फिरोजपुर अते श्री मुक्तसर साहिब जिले की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस तरह ओम प्रकाश सोनी ने जलंधर, ब्रह्म महिंद्रा ने मोहाली, मनप्रीत सिंह बादल लुधियाना और रोपड़ जिला दिता गया है। इसके नाल ही तृप्त जनरल सिंह बाजवा ने अमृतसर, तरन तारण अरुणा चौधरी ने हुशियारपुर, पठानकोट जिला सुखविंदर सिंह सरकारिया ने गुरदासपुर, फाजिलका जिला अलाट किया गया है। कांग्रेसी विधायक ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख नोटा तो महात्मा गांधी की फोटो हटाने की मंग। सीनियर कांग्रेसी विधायक और साबका मंत्री भगत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिस बारे वो सुर्खियों में हैं। कोटा देहाती तो संगोद तो कांग्रेसी विधायक भगत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख मांग की है कि गांधी की फोटो 500 और 2000 रुपए के नोटों तो हटा दिता जाए। भगत सिंह ने चिट्ठी में लिखा कि महात्मा गांधी सच के प्रतीक हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के 500 और 2000 के नोटों उत्ते महात्मा गांधी की तस्वीर है। इस नाल ही उन्हें कहा कि ये नोट रिश्वतखोरी के लैन देन वरते जाते हैं। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि 500 और 2000 के नोटों तो गांधी जी की फोटो हटाने तो बाद सिर्फ उन्होंने ऐनक अशोक चक्कर की तस्वीर लानी चाहिए है। किसानों दिया फिर वधिया मुश्किलां, 25 क्विंटल तो वध झोना नहीं खरीद रही सरकार।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲੀਡਰ ਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 19 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੀਆਂ 469 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਭਰਤੀ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 469 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਜੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ DEO ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12ਵੇਂ ਪਾਸ ਪਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ IOCL ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ IOCL.com 'ਤੇ ਜਾਓ। ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵਟਸ ਨਿਊ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਨਵੇਂ ਪੇਜ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿੱਸਾ ਖਤਮ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ APS ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ DGP ਅਤੇ AG ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਲਾਵਾਰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਗੜਿਆ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਮਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਮਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਟਰ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
कारण पंजाब के व्यापारियों ने महाराष्ट्र तो मंगवाए जा रहे प्याज के भाव में भारी उछाल तो बाद अफगानिस्तान का रुख किया है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते अफगानिस्तान तो प्याज की भारी आमद मंडियों में शुरू हो सकती जिस नाल प्याज के रेट में गिरावट होनी तय है। दरअसल सितंबर के मध्य तो लैके हाल तक ज़्यादातर सब्जी के भाव में दुगने तो वाधा दर्ज किया गया। टमाटर तो लैके प्याज और अदरक तो लैके लसन तक के रेटों में भारी वाधे ने भाजी या स्वाद फिका करके रख दिता लोगों के रसोई का बजट भी हिल गया है। पुरानी गड्डियों बारे केंद्र सरकार का वड्डा ऐलान, केंद्र सरकार ने पुरानी गड्डियों बारे वड्डा ऐलान कर दिता। दरअसल नवी राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने बाद खरीदे जाने वाले वाहनों से 25% तक की छूट दी जाएगी। मंत्रालय वालों कहा गया कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी वाहन मालकों को पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए कदम चुका जा रहा है। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि यह छूट ट्रांसपोर्टेशन वाहनों लिए 8 साल तक तो गैर ट्रांसपोर्टेशन वाहनों लिए 15 साल तक दी जाएगी। उते ही प्राइवेट व्हीकल्स लिए 25% तक तो कमर्शियल व्हीकल्स लिए 15% तक रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। मंत्रालय वालों जारी किए नोटिफिकेशन में कहा गया कि इन्होंने नवे नियमों को 24वां शोध नियम कहा जा सकता है। यह नियम 1 अप्रैल 2022 तो लागू होगा। मनप्रीत बादल की कोठी सामने किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन, तोड़े बैरीकेड। पंजाब किसानों का प्रदर्शन आए दिन चलता ही रहता है। इस लड़ी हुण होर एक किस्सा जुड़ गया है। किसानों ने कल मनप्रीत सिंह बादल की कोठी के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके बाद अचानक उन्होंने कोठी के सामने लगे बैरीकेड भी तोड़ दिए। किसानों ने कोठी को पूरी तरह घेर लिया। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद सी, स्थिति को संभालने में कोशिश करती रही। खुशखबरी, नरातों तो पहले दिन सस्ता हो गया सोना, चेक करो तोले का रेट। नवरात्रों के पहले दिन सोने के चांदी कीमतों में गिरावट आई है। घरेलू बाजार में लगातार तीजे दिन सोना सस्ता हो गया। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज से सोना वायदा 70 रुपए या 0.15% की गिरावट न 46,837 रुपए प्रति 10 ग्राम से कारोबार कर रहा है, जबकि पिछले कारोबारी दिन सोना 46,907 रुपए प्रति 10 ग्राम से बंद होया। इस अलावा चांदी दीमत एक समतल पद्धर से व्यापार कर रही ने। चांदी का दिसंबर वायदा मुल 61,021 रुपए प्रति किलो दसया जा रहा है। CRPF रिक्वायरमेंट 2021 हैड कॉन्स्टेबल दिया 38 असामिया से भर्ती अज ही करो बिने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में भर्ती होने की तैयारी कर रहे नौजवानों लिए सुनहरी मौका। दरअसल CRPF ने हैड कॉन्स्टेबल दिया असामिया की भर्ती कढ़ी। इन असामियों लिए अर्जी की प्रक्रिया चल रही है। अर्जी देने की आखिरी तरीक होर 9 दिन बाकी हैं। अजिही स्थिति में वो उम्मीदवार जिन्होंने अजे तक इन असामियों बिने नहीं किया, CRPF की अधिकारित वैबसाइट crpf.gov.in राही 15 अक्तूबर 2021 तक अर्जी दे सकते हैं। जारी अधिकारित नोटिफिकेशन के अनुसार सिर्फ मृतक आश्रित कार्रवाई में मारे गए गुमशुदा डॉक्टरी तौर पर सवार सबका कर्मचारी ही इन अहदे लिए अर्जी दे सकते हैं। कुल 38 असामियों की भर्ती की जानी है। तो उम्मीदवारों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने इन पोस्टों में लई सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा अर्जी भेजनी होगी। सरकार वालों किसानों सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की पेशकश। पंजाब सरकार ने PM कुसुम स्कीम के कंपोनेंट ए अधीन राज के किसानों सुनहरी मौका दिंदिया ग्रिड कनैक्टेड सोलर PV पावर प्लांट की स्थापना की पेशकश की है। इस स्कीम तहत कुल 220 मेगावाट समर्था की सूरजी ऊर्जा से आधारित पावर प्लांट लगाने की पेशकश सरकार ने की। यह जानकारी पेडा के जिला बरनला मैनेजर गुरमीत सिंह ने दी। उन्होंने आख्या कि इस स्कीम तहत 1 से 15 या 2 मेगावाट के सोलर PV प्लांट की स्थापना लई पंजाब एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी पेडा वालों राज के 54 किसानों के समूह पंचायतों सहकारी सभावां फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन और वाटर यूजर एसोसीएशन तो बिने पत्र मंगे गए ने। उन्होंने दसिया कि इसलिए ई रजिस्ट्रेशन फीस 2300 रुपए और RFS दस्तावेज प्रोसैसिंग फीस 10,000 रुपए है। 1 मेगावाट लिए 1 लख रुपए तो 1.5 मेगावाट लिए 1,50,000 रुपए और 2 मेगावाट लिए 2 लख रुपए रकम बयान देनी होगी। जिसलिए बिने पत्र लोड़ी के दस्तावेज www.eproc.punjab.gov.in जाके या www.pda.gov.in ते डाउनलोड करके इस वैबसाइट ते जमा करवाए जा सकते हैं। ऑनलाइन पूर्व
ਬੋਲੀ ਬੈਠਕ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।